नमो नारायण जी। दोस्तों स्वागत है आप सभी दोस्तों का, मैं आपका मित्र नारायण आचार्य चंडीगढ़ से। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आपने क्या कभी ऐसा नोटिस किया कि जब भी आप किसी को देखते हो वो थूक रहा होता है, पान थूक रहा होता है या नॉर्मल कुछ मुंह से थूक रहा होता है। आज इस वीडियो का बनाने का रीजन कि मेरी रिसर्च है, मैंने बहुत सारी चीजों पर रिसर्च करी, जिसमें से आज एक ये रिसर्च है, जिनकी कुंडली में राहु डिस्टर्ब हो, जिनकी कुंडली में राहु अष्टम हो, द्वादश भाव में हो, या जिनका जिनको बहुत ज्यादा नजर दोष लगा हुआ हो, या जिनके साथ कुछ गलत चीजों का कॉम्बिनेशन, कुछ नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियां जिनके आसपास चलती हों, या फिर ये समझिए कि जिनको जब ज्यादा कुछ समय गड़बड़ चल रहा हो उस समय में कैसे सावधानी बरतें, तो कुछ सिम्टम हैं। जैसे एक अनुभव ये बताता है कि आप अगर जब भी किसी को देखते हैं, कोई गाड़ी से थूक रहा होता है, कोई साइकिल पर चलते चलते थूक रहा होता है, कोई आप कोइंसिडेंटली जैसे आपने देखा तभी वो थूकता है, और ऐसा आप दिन में दो बार तीन बार चार बार भी देख लेते हैं और आपको बड़ा बुरा लगता है और आप फील करते हो कि हाँ ऐसा होता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपकी कुंडली में या तो राहु की महादशा है, राहु अष्टम भाव में है, इसके लिए कुछ उपाय जरूर करें। ऐसे सिचुएशन के कुछ इशारे होते हैं, हेल्थ से संबंधित कुछ परेशानी, मान सम्मान आपका गड़बड़ हो सकता है, आप किसी जगह पर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रताड़ित हो सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा मान सम्मान, किसी समाज में प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में आपको एक तो जो स्ट्रीट डॉग हैं उनकी सेवा करें। सुबह उठते ही आप अपनी हथेलियों को देखें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अगर हाथ की हथेलियां अच्छे से देख लो आप, उसके पश्चात आप मंदिर में जल चढ़ा के आए भगवान शंकर को, और शंकर जी के ऊपर क्या करें आप, थोड़ी सी गुड़ की डली चढ़ा के आए। अगर आपको ऐसा बार बार आप थूकने वाले लोगों को ज्यादातर देखते हैं, ज्यादातर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, और आप अपनी हेल्थ के टेस्ट जरूर करवाएं। और एक छोटा सा उपाय है इस चीज के लिए, लाल झंडा भी आप जरूर चढ़ाएं हनुमान जी महाराज के मंदिर में। राहु को शांत करें, स्ट्रीट डॉग की सेवा करें, कुत्तों को ब्रेड बिस्कुट रोटी वगैरह कुछ ना कुछ खाने को दें, अगर आप ये आपके साथ ऐसे सिम्टम होते हैं तो। तो दोस्तों ये थी छोटी सी एक बात, क्योंकि ये एक सिम्टम अच्छा सिम्टम नहीं है, अगर आपके साथ है तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आप इसके लिए जरूर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके उसका उपाय, उसका निदान करें। दोस्तों आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए खास किसी विषय के साथ। नमो नारायण जी, नमो नारायण।